आप सरकार द्वारा बुलाई गई दिल्ली सरकार की 3 दिवसीय सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर और ऑक्सीजन मास्क पहनकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति बनाई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित करवा दिया है। WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली बहुत प्रदूषित हो गई है, दिल्ली रहने के लायक नहीं रही है, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, लाखों लोगों को खांसी है, गला खराब हो गया है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि दिल्ली शहर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में DTC के लिए 1 बस नहीं खरीद पाई, 15,000 बसें खरीदने की बात कही थी। दिल्ली में जो डीजल और पेट्रोल के जो वाहन चल रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, वो सबसे ज्यादा दिल्ली को प्रदूषित कर रही हैं। आज पूरी दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त है और लोगों की सांसें अब इस सरकार के पास गिरवी रखी है। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मेरा खुद आवाज देखिए आप, गला मेरा पिछले 15-20 दिन से मैं इसी तरह इस पॉल्यूशन के कारण बीमार हूँ। और पिछले 8 साल में दिल्ली के पॉल्यूशन में सरकार ने क्या काम किया? आज दिल्ली के बाहर से लोग दिल्ली में आते हुए डरते हैं। दिल्ली के का मतलब पर्याय बन गया है प्रदूषण। जिस तरह का प्रदूषण लगातार एक दिन नहीं, लगातार आप देख रहे हैं पॉल्यूशन की स्थिति क्या है दिल्ली की। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पिछले 8 साल में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन ना यमुना का प्रदूषण दूर हुआ, ना हमारी सांसों का प्रदूषण दूर हुआ, और दिन प्रतिदिन दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी आज बन चुकी है। केजरीवाल साहब और तो कुछ काम कर नहीं पा रहे, दिल्ली के रहने वाली जनता को कम से कम हवा में जीने लायक साफ स्वच्छ हवा उपलब्ध कराएं। तो हम मांग करते हैं केजरीवाल जी से कि सभी को इस तरह के ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर दिए जाएं, जिससे कि लोग दिल्ली में शुद्ध हवा में सांस ले सकें। प्रदूषण के अलावा बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ मुखर दिखाई दे रही है। के खिलाफ क्या मुद्दे आपके हाउस में होंगे प्रदूषण के अलावा? नहीं, प्रदूषण का मुद्दा है, दिल्ली के लोगों को गंदा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली के लोगों को दी जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड जो है उसमें 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, DTC में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए, 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है, दिल्ली सरकार कह रही है उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। CBC ने कहा है दिल्ली सरकार स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बना रही थी उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जिस तरह से बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, उसे देखकर लगता है कि विधानसभा सत्र काफी गर्म रह सकता है।